आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 2.2 वी जस्ट सी द थ्योरम्स नाउ। सो इन दिस थ्योरम आई हैव टोल्ड टू यू दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी जो कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, हर एक एंगल को मिला के कोई भी ट्रायंगल का उसका वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। सो गिवन में लोग लिखेंगे लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल रहेगा उसमें से एक नाम दिया हो हम लोग ने ए बी सी, दैट वन विल बी माय ट्रायंगल। हम लोग को प्रूव क्या करने का है कि एंगल ए बी सी यानी बी एंगल प्लस एंगल ए सी बी ये एंगल प्लस एंगल बी ए सी दिस एंगल, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वो हम लोग को प्रूव करने का। देन कंस्ट्रक्शन में क्या है, हम लोग ने ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पॉइंट ए सच दैट पी क्यू किसको पैरेलल रहेगा, बी ए बी सी को पैरेलल रहेगा। व्हाट द कॉन्सेप्ट हियर, इफ यू सी द डायग्राम पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी, दिस इज हाउ वी हैव मेड अ कंस्ट्रक्शन हियर एंड द पॉइंट शुड बी लाइक पी डैश ए डैश क्यू यानी पी पॉइंट बी पॉइंट ए और पॉइंट क्यू, तीनों पॉइंट क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सो दीज टू लाइन विल पैरेलल टू ईच अदर दैट वी हैव पुटेड इन कंस्ट्रक्शन। सो इन फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे पी क्यू पैरेलल है बी सी को, और अगर हम लोग ए बी को अगर ट्रांसवर्सल पकड़ दे, व्हाट आई एम टेलिंग पी क्यू दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी का लाइन, और हम लोग ए बी को ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं, फिलहाल हम लोग ये पूरा ये सर को हम लोग भूल जाते हैं, तो क्या होगा ये जेड टाइप होएगा ये, तो जेड टाइप का मतलब क्या होएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, द रीजन वी बी राइटिंग इट डाउन एज ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या बेटा यहाँ पी क्यू पैरेलल टू बी सी वेयर ए बी इज अ ट्रांसवर्सल मैंने लिखा है, तो फिर ए बी सी यानी ये एंगल इज इक्वल टू पी ए बी, इधर का एंगल सेट टाइप का एंगल आ गया, तो क्या बन गया वो ऑल्टरनेट एंगल नंबर वन। अगेन इधर डायग्राम, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग उल्टा जेड में हम लोग ऑल्टरनेट एंगल करेंगे, वो कैसे एंगल पी क्यू सॉरी सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी वेयर, अभी ये लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं, लाइन ए सी इज द ट्रांसवर्सल, तो फिर ये उल्टा जेड टाइप में एंगल कैसे बनेंगे, एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, रीजन ऑल्टरनेट एंगल। सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, सो ए सी बी मीन दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू ए सी मीन दिस एंगल, सो इट बिकम्स माय ऑल्टरनेट एंगल। बाद में हम लोग ने क्या किया, एडिंग वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ने एड किए, वैसे राइट हैंड साइड को भी ऑर्डर में एड किए, तो एंगल ए बी सी वन नंबर इक्वेशन का प्लस एंगल ए सी बी सेकेंड नंबर का इक्वेशन इज इक्वल टू एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी, समझ में आए। तो हमने क्या किया, वन एंड टू इक्वेशन को हम लोग ने एड कर दिए, तो उसके बाद व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड बी ए सी टू बोथ द साइड, यानी ये एंगल है बी ए सी, हम लोग ने क्या किए थे ये जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे भी ऐड किया, हम लोग ने यहाँ पे भी ऐड किए बी ए सी को, सो एडिंग बी ए सी टू बोथ द साइड व्हाट विल हैपन, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी यहाँ पे लिखा है मैंने इज इक्वल टू एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए सी प्लस एंगल बी ए सी, लाइक दिस। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव शफल्ड इट अप, का मतलब क्या किया, बी ए सी को मैंने आगे लिया, क्यू ए सी को मैंने पीछे डाल दिया, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, शफल्ड इट अप।
बाद में मैंने डायग्राम को देखा, पी ए बी प्लस बी ए सी, देखो एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी, ये दोनों एंगल को मैं प्लस करता हूँ तो क्या बनता है, एक बड़ा एंगल बनता है, पी ए सी बनेगा। तो लिखा ये दोनों के जगह पर मैंने लिखा पी ए सी प्लस क्या बचा बाद में, एंगल क्यू ए सी बचा। हम लोग ने रीजन भी लिखा कि दो छोटा एंगल को प्लस करेगा तो एक बड़ा एंगल बनता है, जैसे कि पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी ज्वाइन किए तो क्या बनेगा, पी ए सी। लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे पी ए सी प्लस क्यू ए सी, यानी ये एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल को मैं प्लस कर देता हूं तो क्या बनता है, लीनियर पे एक लाइन में आते हो तो क्या बन गया हो 180 डिग्री। सो आई रिटर्न योर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स लीनियर पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द वे ऑफ प्रूव दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ और ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो दिस इज द थ्योरम इट वर्क्स ऑन, यू कैन सी टू इट, यू कैन रिफर टू इट 2-3 टाइम्स, प्लस यू शुड डू अ प्रैक्टिस ऑल्सो 2-3 दिन बाद। समझ में, पहले तुमने क्या किए थे, जेड टाइप में ऑल्टरनेट एंगल्स निकाले थे, ये एंगल को इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं इसमें ना मेजरमेंट भी डाल सकते हो कि अगर ये 40 डिग्री रहेगा तो ये भी 40 डिग्री रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया जेड टाइप। वो ऐसे ही ये लाइन को पैरेलल है और ए सी क्या ट्रांसवर्स बना दिया हम लोग ने, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल का मेजरमेंट अगर हम 60 रखते हैं तो इसका भी मेजरमेंट कितना रहेगा, 60 रहेगा, करेक्ट। बाद में हम लोग ने क्या किया पता है, ये दो एंगल को प्लस किए, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू ये और ये एंगल प्लस किए 40 प्लस 60। बाद में क्या किया हम लोग ने, बी ए सी को ऊपर और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दोनों को हमने ऐड कर दिए, तो दोनों को हम लोग ऐड करने के बाद क्या बन गया, वो हम लोग को ये पता चला कि ये बड़ा लाइन बड़ा एंगल प्लस ये छोटा एंगल में जो 180 होता है, अगर आप 40 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो गया 100, 180 में से 100 गया तो बचा 80 बच गया, एंगल से लीनियर पे हो गया। तो ये ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना हो गया, 40 प्लस 60 100 प्लस 80 इज 180। दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट, दिस आर टेकन अ डिग्री, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसे पे एग्जाम्पल है, बट यू हैव टू डू लाइक दिस वे ओनली। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर थ्योरम, वी सी द नेक्स्ट थ्योरम नाउ।